नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नई सरकार गठन को लेकर भाजपा के भीतर कवायदें शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के ही पद पर बने रहने की संभावनाओं के बीच दो बड़ी खबरें भी मिल रही हैं। पहली यह है कि मध्य प्रदेश को पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर मिल सकती है। इसमें सांसद रही संपतिया उई के वरिष्ठ विधायक अर्चना चिटनिस के नाम सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष नहीं रही है। हालांकि 2003 और 2009 में जमुना देवी चार चार दिन के लिए सामायिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर रही हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के साथ यूपी की तर्ज पर दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। जहां तक मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का प्रश्न है, तो पहले ही पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर गृहमंत्री अमित शाह इसके संकेत दे चुके हैं। हालांकि इस बात की भी संभावनाएं हैं कि लोकसभा चुनाव तक के लिए शिवराज को ही बनाए रखा जाएगा। फिर भी यदि नए चेहरे पर दिल्ली शीर्ष नेतृत्व ने मन बनाया भी, तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया या प्रहलाद पटेल में से किसी की लॉटरी खुल सकती है। भाजपा तीन राज्यों में मिले महाविजय अभियान को मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखने की तैयारी में जुट गई है। ऐतिहासिक 163 सीटें जीतने के बाद भाजपा संगठन का आत्मविश्वास हिमालय हो गया है, अतः वह नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय भी कर सकती है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शाह अपने निर्णयों में कई बार सबको चौंकाया है, अतः मध्य प्रदेश को लेकर ऐसा निर्णय हो तो अचरज नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण इसी सप्ताह 7 से 10 दिसंबर तक संभव है। ज्यादा संभव है कि विधानसभा उपाध्यक्ष भी भाजपा अपने पास ही रखेगी। मंत्रिमंडल गठन की पहली किस्त में 25 से 28 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नए चेहरों को ज्यादा जगह दी जाएगी, जिससे वो फील्ड में पूरी क्षमता और शक्ति के साथ काम करें। वर्तमान सरकार के सीनियर मंत्रियों तथा कई बार मंत्री रहे विधायकों को आराम भी दिया जा सकता है। वहीं मौजूदा सरकार के एक दर्जन मंत्री चुनाव हार गए हैं, इसलिए नए चेहरों के लिए रास्ता खुल गया है। विधायक का चुनाव लड़ने वाले 5 सांसदों में उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक को मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। वहीं जबलपुर सांसद राकेश सिंह के अलावा गोपाल भार्गव, जगदीश देवड़ा, जयंत मलैया को स्पीकर बनाए जाने की भी चर्चा है। वहीं नया मंत्रिमंडल कैसा होगा और उसमें किसे जगह मिलेगी, इन्हीं अटकलों के बीच कहा जा रहा है कि हाईकमान इस बार महिलाओं को ज्यादा अहमियत दे सकता है। 5 से 8 महिलाएं भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो नए मंत्रिमंडल में मालवा, निमाड़ और महाकौशल क्षेत्र को सबसे अधिक तवज्जो दी जा सकती है, क्योंकि मालवा निमाड़ में भाजपा के पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 19 सीटें ज्यादा मिली हैं। यहां से 6 से 8 मंत्री आ सकते हैं। महाकौशल और बुंदेलखंड में 6-6 मंत्री हो सकते हैं। ग्वालियर चंबल से 4 विधायक, विंध से 5 से 6 मंत्री हो सकते हैं। नर्मदापुरम से 2, मध्य क्षेत्र से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नए मंत्रिमंडल के लिए जो पार्टी सूत्रों से संभावित नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं, उनमें ग्वालियर चंबल से प्रद्युम्न सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला, मालवा निवाड़ से तुलसी सलाबट, रमेश मेदौला, मालनी गौड़, अर्चना चिटनिस, उषा ठाकुर, निर्मला भूरिया, ओम प्रकाश सकलेचा, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, जगदीश देवड़ा, विजय शाह। वहीं विंध क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ला, रीति पाठक, मनीषा सिंह, प्रदीप पटेल, मीना सिंह, कुंवर सिंह टेका। महाकौशल से प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, प्रदीप जायसवाल, गुरु समातिया उइके, ओम प्रकाश धुर्बे, सद उदय प्रलय सिंह, संजय पाठक। बुंदेलखंड से भूपेंद्र सिंह, गोविंद राजपूत, प्रदीप तारिया, हरिशंकर खटीक, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ललिता यादव, शैलेंद्र जैन।
नर्मदापुरम से हेमंत खंडेलवाल, मध्य क्षेत्र से विश्वास सारंग, सुरेंद्र पटवा, कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, प्रभु राम चौधरी। अब देखना यह है कि आलाकमान किन नामों पर अपनी मोहर लगाता है और कौन दो नाम उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं।